धर्मा दोनों हाथ जोड़कर मुखिया जी से बोला, मुखिया जी माफ़ कर दीजिए मेरे भाई को, यह कसाई के सारे पैसे वापस कर देगा और सारे गांव के सामने यह अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग रहा है, इसलिए कम से कम इसे गांव से निकालने की सज़ा ना दें। धर्मा की बात सुनकर पंडित जी और मुखिया एक साथ बोल पड़े, धर्मा तुम्हारी शालीनता और तुम्हारे व्यवहार की वजह से हम इसको माफ़ कर रहे हैं, इसलिए इसे गांव छोड़ने की सज़ा नहीं देते हैं। इससे कहो कि कसाई को 10,000 रुपये दे दे। जय दौड़कर घर से पैसे निकाल लाया। कुछ पैसे तो उसने खर्च कर दिए थे और बाकी के पैसों को लेकर वह मुखिया साहब के हाथ में देते हुए बोला, मुखिया साहब मेरी गलती को माफ़ करके और यह पैसा आप ही कसाई को देकर विदा करें। मुखिया जी ने कसाई को बुलाया और उसके हाथ में पैसा देकर बोले, देखो आज के बाद यदि चोरी से भी तुमने कोई जानवर खरीदा तो याद रखना, इस बार तो तुम्हारे पैसे वापस करवा रहा हूँ, मगर अगली बार तुम्हारी खातिरदारी इससे भी अच्छे तरीके से होगी। और वह कसाई पैसे लेकर वहाँ से चला गया। उसे और क्या चाहिए तो वह बोला, आज के बाद आपके गांव में मैं पलट कर भी नहीं देखूँगा। जय अब आगे बढ़ते हुए भरी पंचायत में अपने भाई धर्मा के पांवों को पकड़कर जोर जोर से रोने लगा और बार बार कहने लगा, भैया मुझे माफ़ कर दो, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत अपमानित किया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया, अब तो मुझे अपने आप से भी घृणा हो रही है। जिस भाई ने पिता के गुजर जाने के बाद भाई नहीं मुझे जो अपने पुत्र समझा, एक जिम्मेदार पिता का रिश्ता निभाया, जिस भाई ने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कराया, जिसके साथ में मुझे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया, मगर ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मेरा विवाह इस कलमुही औरत से हो गया और मानो मेरी ज़िंदगी की गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, मेरी सारी खुशियों को जो है नज़र लग गई, मेरी आशाओं का कत्ल हो गया, मेरे प्यार मेरी दया का वहीं अंत हो गया, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी। कहते हुए धर्मा के पांव पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। धर्मा भी रोते हुए एक बार फिर जय को गले लगाया और उसे समझाते हुए उसके आंसू पहुँचते हुए बोला, जो हुआ उसे भूल जाओ, समझो वह एक बुरा वक्त था और आज वह बुरा वक्त भी भगवान की दया से टल गया। तू तो बहुरिया को मनहूस कह रहा है, जबकि मनहूस तो समय था, मनहूस तो हमारी किस्मत हो चली है, हमारा प्रेम हो चला था। तभी लीला भी बोलते हुए आगे बढ़ी, अरे कुछ नहीं, इन दोनों भाइयों की अपार प्रेम को लगता है किसी दुश्मन की नज़र लग गई थी, खैर चलो अंत भला तो सब भला। तभी लाडो रोते हुए लीला के पास आई और वह उनके पैरों में गिरकर रोना चाह रही थी, मगर तब तक लीला उसके हाथों को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाकर बोली, अरे तू मेरी अच्छी देवरानी है और देवरानी की जगह पैरों में नहीं दिल में है, इसलिए आ बहुरिया एक बार फिर से मेरे गले लग जा। कहते हुए लीला ने लाडो को अपने गले से लगा लिया। एक दूसरे के गले लगते हुए जब धर्मा के गले से लिपटा रहा जय भी धर्मा के गले से लिपट रहा था और लाडो लीला के गले लिपटी हुई रो रही थी और बार बार अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही थी। आज समय और हालात ने इन दोनों के हृदय परिवर्तन कर दिए थे, इन दोनों का जमीर आज फिर एक बार जाग चुका था, सही गलत अपना पराये का भेद अब जय और लाडो को हो चुका था। जिस पिता स्वरूप भाई को जय आज तक पराया और शत्रु समझ रहा था, आज इस दुख की घड़ी में उसी बड़े भाई ने और भाभी ने उनको जो गांव निकलने की सजा से बचाया था, इसलिए आज दोनों रो रो कर आंसुओं के द्वारा अपने हृदय के मैल को धो रहे थे। जय धर्मा जय को चुप करा रहा था। जय बोला, नहीं भैया आज जी भर कर मुझे रोने दो, आज इन आंसुओं से मेरे अंदर की ईर्ष्या नफरत भरी थी जो उसे आज बह जाने दो। जय धर्मा के गले को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। तभी चंपक और चमेली दौड़ते हुए भागते हुए आए और धर्मा और जय के पैरों में पड़कर बोले, आज बहुत शुभ दिन है, आज मेरे चाचा चाची की नाराज़गी खत्म हो गई, मेरे चाचा चाची चाची बहुत अच्छे हैं। और यह सुनते ही जय ने चमेली और चंपक को गोद में उठा लिया और उन्हें प्यार करते हुए बोला, हाँ बेटा आज से पहले तुम्हारा चाचा बहुत गलत था, मगर आज एक बार फिर तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारी माई ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया है, मुझ जैसे को फिर एक परिवार और अच्छा आदमी बना दिया है, अच्छा परिवार मुझे मिल गया है। कहते हुए चंपक और चमेली को चूमने लगा और फिर उन्हें गोदी से उतार कर लाडो और जय के जय जो हाथ जोड़े सारे पंच प्रमुखों से बोले, हे पंच परमेश्वर
हाथ जोड़कर आप सबसे अपने आज तक की करनी और गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे मेरे भैया भाभी मेरे को मेरे गांव के आगे गांव वालों के आगे शर्मिंदा होना पड़े। यह सुनकर मुखिया जी और पंडित जी भी अपनी जगह से उठे और मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है जय, अब सही से रहना, कोई बात नज़र ना आए। इंसान तो गलतियों का पुतला है, उससे गलती हो जाती है, लेकिन अगर वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है तो यही उसका बड़प्पन होता है और अपनी गलतियों को सुधार लेना यही एक अच्छे मनुष्य का कर्तव्य है। पूरे गांव की तरफ से हम तुम्हें माफ़ करते हैं, जाओ अपनी पुरानी सारी गलतियों को एक घटना समझकर भूल जाओ और नए सिरे से नई खुशियों के साथ अपने भैया भाभी के साथ अपने परिवार के में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो, अच्छे कर्म करके अपना और अपने गांव का नाम ऊंचा करो। जय हाथ जोड़े बोला, जरूर मुखिया जी, अब दोबारा मुझसे कोई गलती नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ। और कहते हुए जय चंपक और चमेली को गोद में उठाया और धर्मा के साथ घर की ओर बढ़ा। लीला भी मुस्कुराते हुए लाडो को पकड़े हुए उसे अपने घर के अंदर लेकर चल पड़ी। सारे पंचायत भी जो पंचायत के जो पंच थे वे भी मुस्कुराते हुए उठकर अपने अपने घरों को चले गए। पूरा माहौल बदल चुका था, अब सबसे ज़्यादा बदलाव तो जय और लाडो में हुआ था। अब सचमुच दोनों अपनी सारी बुराइयों का त्याग करके अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने भाभी भैया के साथ हंसी खुशी एक नए जीवन की शुरुआत कर चुके थे और अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। अभी धर्मा जागता उससे पहले ही जय घर के पास पूरे आंगन में झाड़ू लगा देता, अच्छे से साफ सुथरा करके तैयार कर देता, अपने हल और बाकी के खेती हर सामानों को बड़े ही साज सज्जा से एक तरफ रख देता। लाडो भी लीला के उठने से पहले पूरे घर की साफ सफाई करके चूल्हा चौकी के कार्य में लग जाती। अब वह चंपक और चमेली को एक माँ की तरह प्यार करने लगी। जब भी चंपक चमेली उसे चाची कहकर बोलते तो मुस्कुराते हुए कहती, चाची नहीं छोटी अम्मा कहकर पुकारो, क्योंकि अब तुम लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है और समय के साथ यह मैं साबित कर दूंगी कि मैं तुम लोगों की अच्छी और बहुत अच्छी माँ हूँ। तभी लीला मुस्कुराते हुए बोली, अरे बहुरिया यह सब क्या कह रही हो, सुबह सुबह सारा काम लेकर बैठ गई, अरे मुझे भी करने दिया कर, बैठे बैठे मेरा हाल ठीक नहीं रहता। लाडो मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी दीदी आपने बहुत दिन काम किया, अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, अब आपके रानी बनकर आराम करने के दिन हैं, इसलिए आप सिर्फ आदेश दें, बाकी सारी जिम्मेदारियां अब मैं निभाऊंगी। उधर धर्मा भी उठकर अपने हाथों में पानी की बाल्टी लिए लाली और काली के नांद के पास पहुंचा। तभी जय दौड़कर धर्मा के पास आया और उसके हाथों से पानी की बाल्टी लिए बोला, यह पानी का क्या करेंगे भैया। धर्मा उदास स्वर में बोला, क्या क्या करूँगा जय, मुझे तो आदत सी हो गई थी अपने उन दोनों बैलों को सुबह शाम दाना पानी देने की, इसलिए आज भी मैं यह पानी लेकर उनकी नांद को धोकर इससे पानी से भर देता हूँ ताकि कोई भी जानवर कम से कम इस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा सके। उदास स्वर में जय बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मैंने बिना सोचे विचारे बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं जानता था कि वे बैल आपके लिए सिर्फ जानवर नहीं बल्कि आपके बच्चों के समान थे, फिर भी मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। धर्मा बोला, कोई बात नहीं मेरे भाई, गलती तो हो ही गई, ठीक है, मगर तब अब उस गलती की सुधार की आवश्यकता है। वह कहने लगा, जय हाँ भैया आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, अब तो मुझे भी उनकी चिंता होने लगी है। हाँ भाई चिंता तो बिल्कुल जायज है, पता नहीं वे दोनों बेचारे कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, किस हाल में होंगे। धर्मा बोला तो जय कहने लगा, हाँ भैया जरूर, पंडित जी ने कहा था कि प्रायश्चित ही पापों का अंत होता है, इसलिए मैं अब उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा, शायद यही मेरा प्रायश्चित होगा। देखो भाई बेचारे मेरे बैल आज जाते जाते ही हम दोनों भाइयों के बीच की जो नफरत की दीवार थी उसे भी गिरा गए, हमारे बीच जो नफरत जल रही थी उन बेचारों ने उसे प्यार में बदल दिया, जाते जाते एक बार फिर हमें एक कर गए, हमारे हृदय में प्रेम को जगा दिया, पता नहीं बेचारे कहाँ होंगे किस हाल में होंगे, कहते हुए धर्मा रोने लगा। यह देखकर जय दौड़ते हुए धर्मा के पास गए और उनके आंसू पहुँचते हुए बोला, भैया आप चिंता ना करें, मुझे पक्का यकीन है कि यह हमारे बैल हमें ज़रूर मिल जाएंगे, आज से ही मैं उनकी तलाश में निकल जाता हूँ। कहते हुए उसने लाडो को आवाज़ लगाई, अजी एक काम करो, खाना पानी तैयार करके बांध दो, लाडो मैं जा रहा हूँ अपने दोनों बैलों को ढूंढने।
लाडो ने कहा, जी अच्छा मैं अभी कर देती हूँ। और अंदर से काम करते हुए लाडो कहने लगी। तभी धर्मा बोला, रुक जाओ जय, मैं भी चलता हूँ। उन दोनों को देखे जमाना हो गया, अब तक तो वे मिल ही नहीं जाते, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग दोनों चलते हैं और एक दूसरे गांव तक उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसे में खेत जुताई का समय आ चुका है। तभी लीला एक झोले में खाना पीना बांधे धर्मा को पकड़ाते हुए बोली, लीजिए यह खाना है और पानी आप लोगों के लिए तैयार हो गया है। जय ने झोले को अपने हाथ में ले लिया। फिर दोनों भाई साइकिल उठाए लाली और काली को ढूंढने एक बार फिर सड़कों पर निकल पड़े। तभी चंपक और चमेली पीछे से चिल्लाते हुए बोले, बाबूजी चाचा जी अपने दोनों बैलों को ज़रूर लेकर आना, हम लोग उनके लिए मीठी मीठी रोटी बना रहे हैं। और दोनों वे कहने लगे, हाँ हाँ बेटा और ज़रूर हम ढूंढ कर लाएंगे। दोनों बैलों को जय और धर्मा दोनों बैलों को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे और साथ ही साथ लाली और काली की चिंता भी एक दूसरे से जताए जा रहे थे और उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। सुबह का सूरज अब धीरे धीरे अपने दिन की रोशनी को आगे की ओर बढ़ाते हुए तेज हो रहा था। सुबह ने दोपहर का रूप धारण कर लिया था। तेज गर्मी के साथ धरती गर्म होने लगी थी और इस तेज धूप में पसीने से तरबतर हुए दोनों भाई अपने लाली और काली को इधर उधर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। जहाँ भी उन्हें कोई जानवरों का झुंड दिख जाता वे खुश होकर रुककर उन झुंडों से अपने लाली और काली को तलाशने लगते। मगर जब झुंड में लाली और काली नहीं मिलते तो उनका चेहरा एक बार फिर उदास और परेशान हो जाता। फिर दोनों भाई अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ाते और लाली और काली की तलाश में सड़कों पर साइकिल दौड़ाते हुए चल पड़े। जय ने मुस्कुराते हुए बोला, भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उन दोनों बैलों को सिर्फ एक जानवर समझा। आज उन्हीं बैलों के कारण मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। एक बार फिर मुझे पिता और भगवान स्वरूप मेरा बड़ा भाई मिल गया है। ना जाने मैं अपने बैलों का यह एहसान या यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा। तभी धर्मा साइकिल चलाते हुए बोला, तो चिंता ना कर भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहाने चाहे कोई भी हो, मगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, तुमने अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लिया, यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। चिंता तो मुझे भी हो रही है, पता नहीं मेरे दोनों बच्चे कहाँ होंगे, दोनों कहाँ चले गए। एक बार कोशिश तो हम कर ही सकते हैं, देखते हैं यदि मिल जाते हैं तो ठीक, अन्यथा प्रभु की जैसी मर्जी। दोनों साइकिल चलाते हुए सड़कों पर आगे जा रहे थे। एक तालाब के किनारे उन्हें जानवरों का झुंड दिखाई दिया। दोनों भाइयों ने अपनी साइकिल वहाँ खड़ी की और तालाब के किनारे जा पहुँचे। वहाँ पर कई सारे जानवर चर रहे थे, गाय भैंस बकरी घोड़े गधे, कुछ चरवाहों के हाथों में डंडा लिए वहीं आसपास भटक रहे थे। तभी जय उस चरवाहे के पास गया और जाकर बोला, भैया लाल और काले रंग के दो बैल हट्टे कट्टे से हैं, क्या आपने कहीं देखा। चरवाहे ने कहा, नहीं भैया हमने तो ऐसा कोई बैल यहाँ आसपास नहीं देखा। यह सुनते दोनों भाइयों का चेहरा एक बार फिर उतर गया और दोनों फिर अपनी साइकिल से आगे बढ़ने लगे। अब जो दोपहर ढलने लगी थी, शाम होने वाली थी और जैसे जैसे दिन शाम की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे दोनों भाइयों की निराशा और चिंता भी बढ़ती जा रही थी। समय गुजरता जा रहा था परंतु लाली और काली का दूर दूर तक कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। अब दोनों भाइयों की बेचैनी बढ़ रही थी कि वह तलाश करके भी बेचारे हार गए थे और निराश हो चुके थे। सूरज अपने दिन भर के चलने के बाद शाम की ढलान पर पहुंच चुका था। धीरे धीरे शाम होती जा रही थी और उसी के साथ ही धर्मा के मन में जो आज विश्वास जगा था अब वह निराशा उसके मन में बढ़ती जा रही थी। अचानक एक बाजार पर उसने अपनी साइकिल रोकी। फिर जैसे बोला, चलो भाई चाय पी लेते हैं। जय ने कहा, ठीक है भैया, कहते हुए दोनों चाय की दुकान पर चले गए। धर्मा ने आवाज़ लगाते हुए चाय वाले से कहा, काका दो कप गर्मा गर्म चाय देना, आज बहुत थक गए हैं। हाँ बिटवा, चाय वाले ने कहा, अभी लाता हूँ। और कहते हुए चाय वाला अपने हाथों में दो गिलास चाय लेकर धर्मा और जय के पास आ गया। धर्मा और जय चाय का गिलास हाथ में पकड़े हुए लाली और काली के बारे में बातें किया जा रहे थे। तभी चाय वाला बड़ी उत्सुकता से बोला, क्या हो गया बिटवा, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। तभी धर्मा ने कहा, क्या कहें काका, 10 दिन गुजर गए, हमारे दो बैलों खो गए हैं। हमने चारों तरफ इधर उधर जहां तहां उनके होने की संभावना थी सब जगह ढूंढ लिया, मगर उनका कोई पता नहीं चला।
चाय वाले ने कहा, बैल कैसे थे भैया? जय बोला, काका एक लाल रंग का था और एक काले रंग का था, दोनों हट्टे खट्टे थे। चाय वाले ने कहा, तब तो भैया मिल पाना मुश्किल है। धर्मा ने आश्चर्य से बोला, क्यों काका? चाय वाला बोला, बिटवा ऐसा है कि रात में कुछ लोग चोर लोग गाड़ियां लेकर सड़कों पर घूमते हैं और अच्छे खासे दिखने वाले गाय बैलों को चोरी से लेकर भाग जाते हैं। एक दो बार तो मैंने आवाज़ देकर उन्हें भगाया, मगर चोर कब आ जाते हैं अपनी आदतों से। सो अक्सर यहाँ गाय और बैलों की चोरी होने की खबर मिलती रहती है। लोग हमारे ही दुकान पर बैठकर इस विषय में चर्चा करते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ। और जब तुम कह रहे हो कि 10 दिन हो गए और बैल भी काफ़ी सुंदर और हट्टे खट्टे थे, तो ऐसे में उनका मिलना तो मुझे अब असंभव ही लग रहा है। आगे ऊपर वाले की मर्जी, कहते हुए चाय वाला एक बार फिर अपने काम में लग गया। यह सुनकर धर्मा का चेहरा उतर गया। जो उम्मीद उसके मन में थी, जगी थी, अब वह भी टूट चुकी थी। बैलों के मिल जाने की आशाएं जो उनके मन में जगा था, अब वह निराशा के रूप ले चुका था। धर्मा का चेहरा देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह उन बैलों के वियोग में जोर जोर से रो पड़ेगा। और काका भी ने भी सच्ची कहा है। जय कहने लगा, अब मुझे नहीं लगता कि हमारे लाली और काली अब हमें मिल पाएंगे, क्योंकि इन दिनों तक वह बाहर नहीं रह सकते थे। इतने दिन यदि वह होते तो अब तक जरूर लौट आते। कहते हुए धर्मा अपनी भावनाओं पर अपने आंसुओं पर नियंत्रण ना कर सका और फबक फबक कर रो पड़ा। जय दौड़कर अपने भाई को पकड़कर उसे चुप कराते हुए बोला, भैया निराश मत होइए, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो जी चाहता इसी तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूं। धर्मा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं भाई छोड़ो, जो कुछ हुआ है चलो अब घर की ओर लौट चलें। घर वाले और बच्चे भी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें भी बेचैनी लगी होगी। कहते हुए धर्मा ने अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा और बनावटी मुस्कुराहट के साथ साइकिल पर सवार हो गए। जय भी उदास चेहरे के साथ साइकिल पर सवार हो गया। दोनों भाई साइकिल पर चले जा रहे थे और इधर शाम भी जो रात्रि में बदलने वाली थी, रात होने वाली थी। लीला लाडो चंपक चमेली बेसब्री से अपने पिता और चाचा का इंतजार कर रहे थे, लाली काली का इंतजार कर रहे थे। चमेली अपने हाथों से मीठी मीठी रोटी लिए मुस्कुरा रही थी और बार बार अपनी माँ से कह रही थी, माँ कितनी देर लगेगी हमारे लाली काली को आने में, आज मैंने अपने हाथों से उनके लिए मीठी रोटी बनाई है, आज वो आएंगे तो मैं उन्हें खिलाऊंगी और फिर दोबारा वे कभी हमारा घर छोड़कर नहीं जाएंगे। लीला बोली, आ जाएंगे बेटी, जल्दी ही आ जाएंगे, तुम्हारे पापा और चाचा गए हैं न लाने के लिए, बस आते ही होंगे। अब रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। थोड़े समय बाद धर्मा और जय अपने घर के समीप पहुंच चुके थे। सबकी नज़रें बेसब्री से उन सब का इंतजार कर रही थी। लीला लाडो चंपक चमेली की नज़र जय और धर्म पर पड़ी तो मगर लाली और काली कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए अब उनके मन में भी निराशा की आशा बढ़ने लगी थी। तभी रोते हुए चंपक धर्मा के पास पहुंचे और बोला, क्या हुआ बाबूजी, हमारे बैल क्यों नहीं मिले? धर्मा जो निराश शब्दों में वो कहा, नहीं बेटा, हमारे लाली काली लगता है हमेशा हमेशा के लिए हमसे बिछुड़ गए हैं और हमसे दूर चले गए हैं, क्योंकि वे हमसे नाराज हो गए, अब नहीं लगता कि वे कभी हमें मिल पाएंगे। कहते हुए धर्मा चंपक का हाथ पकड़कर उसे साइकिल पर बिठाया और घर के पास वाली लाली और काली की नांद के पास आकर रुक गया। लीला समझ चुकी थी, इसलिए चुपचाप जग में पानी लेकर धर्मा के हाथ धुलाने लगी। चमेली हाथों में मीठी रोटी लिए जैसे बोली, चाचा जी हमारे बैल नहीं आए, अब मैं मीठी रोटी किसे खिलाऊं? अब कौन मेरे साथ खेलेगा, कौन मेरे हाथों से रोटी खाएगा? कहते हुए चमेली रोने लगी। जय ने उसे गोद में उठाया और बोला, मत रो बेटी मत रो, हम तुम्हारे लिए अब दूसरा लाली काली लेकर आएंगे, तुम चिंता मत करो। कहते हुए सभी घर में अंदर चले गए। अब बैल नहीं मिलने के कारण धर्मा जो काफ़ी उदास रहने लगा, हर पल हंसने वाला और दूसरों को हंसाने वाला, अपने कामों में मस्त रहने वाला धर्मा अशांत हो चुका था। वह हमेशा अपने दोनों बैलों के वियोग में डूबा रहता और उन दोनों बैलों के नांद के पास ही वह मंडराते रहता। जब मन में आता तो उसे साफ करने लगता तो फिर उससे पानी भरने लगता। उसकी मन स्थिति अपने बैलों के वियोग में जो वह बहुत दुखी था, इसलिए वह बहुत ही दुखी ज़्यादा रहने लगा और वह रोने लगता कभी कभी तो।
और फिर दौड़कर खेतों की तरफ अपने बैलों को तलाशने लगता। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर की शक्ति अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। बुझते दिए की तरह वह भी अब धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। धर्मा की ऐसी स्थिति को देखकर अब घर के लोग भी, लीला, जय, लाडो भी चिंतित रहने लगे कि आखिर जय को क्या दुख है। बैलों का घना ही गम उसे लग गया था। रह रहकर जय और लीला धर्मा को काफ़ी समझाने का प्रयास करते, मगर धर्मा शायद उन लोगों की बात समझ ही नहीं पा रहा था। वह तो बस अपने दोनों बैलों के वियोग में निरंतर डूबता जा रहा था। इस वियोग में ना तो उसे खाने की चिंता रहती और ना ही पानी की। ना वह ढंग से सो पाता। बिस्तर पर सोए सोए वह रात रात में उठ उठकर उन दोनों बैलों की नांद के पास जाता और देखता इधर उधर और खेतों की तरफ झांकने लगता। फिर वह अपना खाट उसी नांद के किनारे लगाकर वहीं पड़ा रहता। अब तो उसे ना किसी काम की चिंता थी और ना ही परिवार की। अजीब सा होता जा रहा था धर्मा। अपने गम और अपने दुखों को अपने अंदर समेटे हुए वह अपने अंतरात्मा को निरंतर जलाए जा रहा था। उसके दुख जो बढ़ता जा रहा था। ऐसी हालत देखकर लीला भी जो उसे देखकर रोने लगती, क्योंकि उसका पति था और उसे अपने पति का दुख देखा नहीं जाता था। लीला को रोते देख लाडो और जय भी अपने को कोसने लगते। ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारे मन में उन दोनों जानवरों के प्रति इतनी नफरत भर गई, और आज हमारी ही गलती से ना जाने वे दोनों कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, रोते हुए लाडो ने कहा। तो लीला रोते बोली, सब ठीक हो जाएगा बहुरिया, उनको जाना था वे चले गए, मगर ऐसा कभी होता है क्या कि जानवरों के वियोग में हम अपने प्राण ही त्याग दें, जैसा चंपक के बाबूजी कर रहे हैं। यहाँ लोग मर जाते हैं, चंद दिनों में लोग उसे ही भुला देते हैं, और यहाँ चंपक के बाबूजी उन दोनों बैलों के वियोग में खुद को मारते जा रहे हैं, यह कितना सही है, कहते हुए लीला एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, मगर क्या करें, भैया ने उन सभी कभी जानवर उन दोनों बैलों को समझा ही नहीं, वे तो हमेशा उन्हें अपने बच्चों जैसा समझते थे, और बच्चों के गुम हो जाने पर और बिछड़ जाने पर सचमुच माता पिता पर क्या बीतती होगी, आज भैया को देखकर पता चलता है। धर्मा की हालत दिन ब दिन पागलों जैसी होती जा रही थी। लीला ने रोते हुए कहा, आखिर क्या करें भैया, ऐसा क्या हो कि इनकी मन स्थिति एक बार फिर से पहले जैसी हो जाए, ठीक हो जाए। थोड़ी देर सोचकर जय बोला, भाभी क्यों ना हम उनकी जगह पर अब दूसरे बैल खरीद कर ले आए, हो सकता है नए बैलों के आ जाने से भैया के अंदर वही प्रेम, वही भावना जाग जाए, जैसे भैया पहले थे ऐसे हो जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जय, इन परिस्थितियों में अब हमारे पास यही एक उपाय है, एक बार फिर हमारे घर में दो जानवर आ जाएंगे तो मुझे लगता है तुम्हारे भैया पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। लाडो भी कहने लगी, यह बात बिल्कुल सही है। तभी जय ने कहा, भाभी आप बिल्कुल चिंता ना करें, सोनपुर का मेला लग चुका है, मैं आज ही वहाँ से दो अच्छे से बैल खरीद कर ले आता हूँ। तभी लीला ने अपनी जगह से उठी और अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर जय के हाथ में देते हुए बोली, लो देवर जी यह कुछ पैसे हैं, इन्हें ले जाओ और जाकर नए बैल खरीद लाओ, कुछ भी कीजिए मगर इन्हें ठीक कर दीजिए, इन्हें पहले जैसा ही बना दीजिए, हंसमुख और चिंता मुक्त, क्योंकि इनकी ऐसी हालत देखकर डर लगता है मुझे मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, जय कहने लगा। कहते हुए जय ने अपने हाथों में पैसे लिए और फिर लाडो को आवाज़ दिया और बोला, लाडो तुम्हारे पास भी कुछ पैसे होंगे तो दो, ताकि दो बैल खरीदा जा सके। यह सुनते ही लाडो अपने कमरे की तरफ भागी और फिर वहाँ से कुछ पैसे लाकर जय के हाथों में उसने दे दिया। जय उन पैसों को लेकर तैयार हुआ। तभी चंपक भी जिद करते हुए कहने लगा, जय चाचा मैं भी तुम्हारे साथ सोनपुर के मेले में चलूंगा, मुझे भी देखना है। जय ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठाया और बोला, जाकर तैयार हो जा, भैया नहीं जाएंगे तो हम और तुम दोनों मिलकर बैलों को खरीद लाते हैं और फिर वहीं तुम्हारे पापा को उपहार में सब देंगे, जिससे तुम्हारे पापा एक बार फिर खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद जय ने चंपक को अपनी साइकिल पर बिठाया और साइकिल चलाते हुए सोनपुर के पशु मेले की तरफ चल पड़ा। इधर लाल और काली सड़क पर इधर उधर भटक रहे थे, दौड़ते भागते जा रहे थे, जहाँ उन्हें भूख लगती, जहाँ उन्हें हरी हरी घास दिखाई पड़ती, बांस के पत्तों पर नज़र पड़ती, वहीं रुककर उन्हें खाने लगते, फिर आसपास नदी तालाबों में पानी पी लेते, फिर सड़कों पर बेहताशा दौड़ते भागते चले जाते। इतने दिनों में सही से खाना पीना ना मिलने के कारण और परिवार से बिछड़ जाने के कारण दोनों बैल अब भी पहले से काफ़ी दुबले पतले हो चुके थे। रास्ते का उन्हें अभी भी पता नहीं था, मगर फिर भी रास्ते पर वे आगे बढ़ते जा रहे थे, जो भी रास्ता नज़र आता उसी पर चल देते।
कई दिन गुजर चुके थे मगर अभी तक किसी को भी मंजिल तक नहीं मिली थी, मंजिल तक नहीं पहुँचे थे। काली निराश भरे शब्दों में लाली बैल से बोला, भाई अब क्या होगा हमारा, क्या हमारी बाकी की ज़िंदगी ऐसे ही सड़कों पर बेघर बेसहारा गुजर जाएगी। अब तो ऐसे ज़िंदगी काटना बड़ा मुश्किल लगता है, कब तक घास पत्ते और पानियों से हम अपनी भूख प्यास मिटाते रहेंगे। इस प्रकार तो धीरे धीरे हम कमज़ोर होकर मर जाएंगे। चलते चलते इतने दिन गुजर गए मगर अभी तक हमें कोई निश्चित रास्ता या मंजिल नहीं मिला। अब मैं थक चुका हूँ, अब हम भागते भागते क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाली उसे समझाते हुए बोला, चिंता मत करो भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो अपनी मदद स्वयं करता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं, इसलिए तुम निराश ना हो और चलते जाओ, हर दुख का एक दिन अंत जरूर होता है। रात का अंधेरा सुबह के उजाले में ख़त्म हो चुका था। इसी प्रकार से हमारे दुख भरे रातों का अब एक न एक दिन तो उजाला होगा। अब दोनों बैल बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी काली बैल बोला, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, बचपन में हमारा पुराना मालिक इसी रास्ते से हमें आगे बढ़ाते हुए ले गया था और अगर आगे चलने पर हमें वहाँ बड़ा सा पुल दिखाई पड़ गया तो समझो रास्ते और मंजिल भी हमारे सामने होंगे। कहते हुए दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। लाली की इन बातों को सुनकर काली भी अब आशावादी बन चुका था, उसके अंदर भी अब उम्मीदें जाग रही थी, इसलिए वह हंसते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ समय चलने के बाद अचानक लाली को फिर एक बार रुक गया, उसने देखा और ज़ोर से खुश होते हुए बोला, काली वह देख, वह रहा पुल, मैं कह रहा था ना, चलो अब हमें रास्ता सही मिल गया है और अब इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। और कहते हुए दोनों तेज कदमों से आगे बढ़ने लगे। इधर घंटे भर चलने के बाद जय चंपक को साथ लिए एशिया के सबसे बड़े पशु मेला सारण स्थित सोनपुर के मेले में पहुँच चुका था। यहाँ जानवरों की खरीद बिक्री की जाती है। यह जानवरों के मेला के नाम से विश्व में प्रसिद्ध मेला है। जय ने एक पेड़ के पास अपनी साइकिल को खड़ा करके उसे पेड़ के साथ बांध दिया और चंपक का हाथ पकड़े उस मेले में लाली और काली जैसे बैलों को ढूंढने लगा। इस तरह लोग उसे इशारा करके अपने पास बुलाते और अपने गाय बैलों को दिखाते। जय भी एक के बाद एक बैलों को देख रहा था, समझ रहा था, मगर लाली और काली जैसे बैल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। एक के बाद एक बैलों को देखते हुए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। तभी चंपक ने देखा एक गाय चंपक के पास आकर खड़ी हो गई और चंपक को अपनी जीभ से चाटने का प्रयास करने लगी। तभी चंपक ने मुड़कर देखा और चिल्लाया, अरे यह तो हमारी गौ माता है, हमारी गाय है। कहते चंपक उसके सिर को अपने हाथों से पकड़े उसके साथ गले मिलने लगा। गाय भी खूब खुश हो रही थी, खुशी में उसके आंखों से आंसू फूट रहे थे। चंपक भी उसे गले लगाकर बहुत खुश था। इधर जय एक के बाद एक बैलों को देख रहा था। लाली और काली जैसे बैलों को वह अपनी नज़रों से निरंतर ढूंढ रहा था मगर लाली और काली जैसे बैल कहीं नहीं मिले। समय गुजरता जा रहा था, जय भी परेशान हो रहा था, काश लाली और काली जैसे बैल मिल जाते जिन्हें देखकर भैया खुश हो जाते और एक बार फिर भैया उन्हें पाकर पहले जैसे हो जाते। यही विचार करके वह उस बड़े पशु मेले में लाली और काली जैसे बैलों को ढूंढ रहा था। इधर लाली और काली उस बड़े से पुल को पार करके आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे उनके अंदर खुशी जो बढ़ती जा रही थी। लाली मुस्कुराते हुए कहने लगा, काली पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि हम अपनी मंजिल के करीब हैं, इसलिए देर ना करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। काली लाली को देखते हुए बोला, भाई मगर हम लोग जा कहाँ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे मालिक के घर जाने का रास्ता है। लाली उसे समझाते हुए बोला, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो भाई, यह रास्ता हमारे मालिक के घर का नहीं जाता मगर यह रास्ता वहाँ तक जाता है जहाँ हमारे मालिक ने हमें ख़रीदा था और अपने घर ले गए थे। हम एक बार लोग उस जगह पहुँच गए तो शायद वहाँ से हम अपने मालिक के घर तक के रास्ते को भी तय कर लेंगे। अपने मालिक के घर तो एक बार पहुँच जाएँ, इसलिए चलते चलते आगे की ओर बढ़ते गए। कहते हुए एक बार फिर दोनों को उम्मीद जगी और वह तेज गति से आगे बढ़ने लगे। इधर जय अब काफ़ी परेशान हो चुका था, लाली और काली जैसे बैलों को ढूंढ रहा था मगर उसे पशु मेले में ऐसे बैल कहीं नहीं मिले। वह चंपक का हाथ पकड़कर बोला, चलो बेटा आगे की ओर चलते हैं। मगर चंपक इतने दिनों बाद अपनी गौ माता से मिला था सो वैसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। गौ माता भी चंपक के उस प्यार में लिप्त हो चुकी थी, वह भी चंपक को छोड़ना नहीं चाह रही थी। मगर जय के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दो बैलों के साथ साथ
उस गौ माता को खरीद सके। इसलिए वह चंपक को समझा रहा था, बेटा हम बैल खरीदने आए हैं, पहले हमें बैल खरीद लेने दो, यदि उससे पैसे बचेंगे तो हम गौ माता को तुम्हारे लिए खरीद देंगे। मगर चंपक गौ माता के गले से लिपट कर रोते हुए जिद करने लगा, नहीं चाचा जी, आप गौ माता को घर ले चलिए, बहुत दिन हो गए हमें इससे बिछड़े हुए। चंपक लगातार जिद किए जा रहा था और जय बार बार उसे समझाने का प्रयास कर रहा था, मगर गौ माता के प्रेम में चंपक कुछ भी सुनने को समझने को तैयार नहीं था। इधर लाली ने काली से कहा, भाई हम लोग आ गए हैं, यह वही जगह है जहाँ से हमारे मालिक ने हमें खरीदा था और फिर अपने घर ले गए थे। कहते हुए दोनों आगे की ओर बढ़ने लगे। काली खुश होते हुए बोला, तो क्या यहाँ से हम अपने मालिक के घर जा सकते हैं? लाली बोला, जरूर, लेकिन चलो आओ पहले इस मेले में एक बार अपने मालिक को ढूंढने का प्रयास करते हैं, हो सकता है इसी मेले में पहली बार हमें हमारे मालिक मिले थे और कहीं प्रभु की इच्छा हो तो एक बार फिर हमें अपने मालिक से मुलाकात हो जाए। कहते हुए दोनों बैल बहुत खुश होते हुए हंसते मुस्कुराते उस पशु मेले में इधर उधर जो घूमते हुए डोल रहे थे और दोनों की बेचैनी बढ़ रही थी। इधर चंपक गौ माता के गले लगे रो रहा था और बोल रहा था, गौ माता तुम चलो, हम हमारे घर चलो, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ खेले हुए। गौ माता भी उसके प्यार को समझ चुकी थी, वह भी उसे अपनी जीभ से बार बार चाट रही थी। जय अब वहीं आसपास लाली और काली जैसे बैलों को ढूंढ रहा था, तभी अचानक जय की नज़र काली पर पड़ी। जय को देखते ही काली क्रोध से आग बबूला हो गया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गईं, वह जोर जोर से आवाज़ करने लगा और ज़मीन पर अपने पैरों को पटकते हुए अपने क्रोध को प्रदर्शित करने लगा। यह देखते ही लाली काली से बोला, अचानक भाई क्या हो गया तुम्हें? काली गुस्से में सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखो भाई, हमारा दुश्मन जिसने हमें अपने मालिक से दूर किया है और मरने के लिए उस कसाई के पास भेज दिया, आज मौका मिला है, आज मैं इसका अंत करके ही दम लूँगा। इसने जो हमारे साथ किया उसकी सज़ा मैं इसे ज़रूर दूँगा। देखो कैसे हमें कसाई के हाथों बेचा और फिर नए जानवरों को मौत के मुँह से धकेलने के लिए यहाँ आया हुआ है। लाली ने भी अपना सिर उठा लिया, सामने की ओर देखा, देखते ही उदास भरे चेहरे से कुछ बैलों को छू रहा था। तभी लाली की नज़र चंपक पर पड़ी। लाली काली को समझाते हुए बोला, भाई मेरे जो हुआ उसे भूल जा, देख वेरा मालिक का बेटा, हमारा दोस्त, हमारे साथ खेलने वाला चंपक, वह भी आया है, इसका मतलब लगता है पहले की तरह सब कुछ ठीक हो चुका है, इसलिए तुम अपने क्रोध को त्याग कर और चलो चंपक के पास हम चलते हैं। कहते हुए दोनों बैल चंपक के पास पहुँच गए। लाली अपनी जीभ से चंपक को चाट रहा था। चंपक ने मुड़कर देखा तो लाली और काली को देखकर वह बहुत खुश हो गया। लाली और काली ने चंपक को और गौ माता को देखकर बहुत खुश होने लगा। गौ माता भी एक बार फिर से खुश हो गई क्योंकि इस बार उसे अपने परिवार के सदस्य मिल चुके थे। जब दोनों बैलों ने चंपक को ढूंढ लिया था तभी चंपक जोर जोर से चिल्लाने लगा, चाचा जी जल्दी आइए, चाचा जी जल्दी आइए, हमारे लाली और काली हमें मिल गए। यह सुनते ही जय ने पीछे की ओर मुड़ा तो देखा चंपक के पास लाली और काली खड़े हैं। जय को देखकर काली क्रोध से गुस्से में भर पड़ा, वह उन दोनों को देखकर जय की आंखों में पानी आ गया। जय हाथ जोड़ते हुए दौड़कर भागते हुए लाली और काली के पास पहुंच गया, फिर उसे अपने गले लगाते उनके पैरों को माथे से छूते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे जो इतनी नफरत की, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, तुम सचमुच मेरे भाई के ही नहीं मेरे भी बहुत अच्छे बच्चे हो, जो कलंक मेरे माथे पर चढ़ा था आज तुम दोनों को देखने के बाद वह कलंक मुझसे मिट गया, आओ मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ। कहते हुए लाली और काली को गले से लिपटाने लगा। यह देखकर लाली और काली भी खुश हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए। जय उनके माथे को थपथपाते हुए अपनी गऊ की तरफ देखा और फिर उस गऊ के मालिक को उसने गऊ का मोल किया और उसे पैसे देकर उसने गाय को भी खरीद लिया। अब जय, चंपक, गऊ माता, काली और लाली बैल सभी बहुत खुश थे। जय उन सबको हंसते हुए मुस्कुराते हुए हाँकते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ा। चंपक भी बहुत खुश हो रहा था, वह रह रहकर कभी गौ माता को चूमता, कभी लाली काली को चूमता, फिर वह उनके साथ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। लाली काली भी बहुत खुश थे और इसी प्रकार चलते चलते वह गांव की ओर चल पड़े। दोपहर भी ढलने वाली थी, शाम का समय होने वाला था, पांचों खुशी खुशी अपने गांव में प्रवेश कर चुके थे। चंपक, लाली, काली, गौ माता आगे आगे हंसते झूमते चल रहे थे और पीछे तीनों जानवर चलते जा रहे थे। चंपक
हर आने जाने वाले राहगीरों को अपनी खुशी व्यक्त करते हुए जा रहा था। देखो काका, देखो मेरे लाली काली और गऊ माता आज फिर हमारे घर आ गए हैं। अब वे धर्मा के घर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। चंपक ने देखा धर्मा उन्हीं की नांद के पास खटिया पर लेटा चुपचाप शांत पड़ा हुआ है। चंपक जोर से चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ भागा और बोला, माँ, बाबूजी, चाची, देखो हमारे लाली काली मिल गए और साथ में हमारी गौ माता भी आ गई है। कहते हुए चंपक जोर जोर से भाग रहा था और हर किसी को खुशी खुशी यह बात सुना रहा था। यह सुनते ही धर्मा में जैसे चेतना लौट गई हो, वह उसी अवस्था में उछलकर खटिया से नीचे उतरा और चेहरे पर अपनी खुशियों को समेटते हुए सामने की तरफ देखने लगा। लीला, चंपा और लाडो ने भी जब यह बात सुनी तो वे भी फूले न समाई। वे सभी दौड़ते हुए घर के बाहर की ओर निकली, लाली और काली की तरफ हंसते मुस्कुराते हुए देखने लगी। गांव के लोगों ने भी जब यह बात सुनी तो सभी लाली और काली को देखने के लिए इकट्ठा होने लगे। धर्मा हंसते मुस्कुराते हुए दौड़कर लाली और काली के पास जा पहुंचा। उसे देखते ही धर्मा की आंखों में एक बार फिर पानी भर आया। लाली और काली ने अपने मुंह को धर्मा के पांव की तरफ करके चाटने लगे, जैसे वे कह प्रणाम कर रहे हों अपने मालिक को। धर्मा ने बड़े प्यार से उन तीनों को बारी बारी गले लगाया और फिर हंसते मुस्कुराते उन्हें लेकर नांद के पास आया। फिर जो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, लीला, झट से एक बाल्टी पानी में बेसन और गुड़ घोल कर ले आ। धर्मा ने बारी बारी उन तीनों को बेसन और गुड़ का पानी पिलाया। तब तक लाडो थाली आरती की सजा कर ले आई थी और उन तीनों की आरती उतारने लगी और अपनी गलतियों के लिए उनसे माफ़ी मांगने लगी। धर्मा ने हाथों में सरसों का तेल लिए उन तीनों के माथे और सींगों पर लगाया, फिर उनके माथे पर सिंदूर से तिलक किया। तब तक चमेली भी अपने हाथों में कुछ रोटियां लेकर उनके पास चली आई। बारी बारी से अपने हाथों से वह तीनों को रोटियां खिलाने लगी। गांव के लोग जो इकट्ठा हो चुके थे उन्होंने हंसते मुस्कुराते वे कहा, चलो भाई धर्मा, देर आए दुरुस्त आए, आपका बिखरा हुआ परिवार, बिछड़ा हुआ परिवार एक बार फिर एक हो गया, सब के सब आपको मिल गए, बहुत खुशी की बात है, हरि काका कहने लगे। धर्मा ने कहा, हाँ काका, सब प्रभु की मर्जी है। कहते हुए धर्मा ने एक बार फिर उन तीनों को गले से लगा लिया। मेरे बच्चों, खबरदार जो आज के बाद मुझे छोड़कर कहीं गए। कहते ही एक बार फिर खुशी के मारे वह रोने लगा। लाली और काली बार बार धर्मा को चाट रहे थे, गौ माता भी धर्मा को चाट रही थी और उनके प्रेम से मुग्ध हो रही थी। एक बार फिर सवेरा हो गया, खुशियाँ का सवेरा, और पूरे गांव में यह बात फैल चुकी थी कि धर्मा के खोए हुए बैल उसे मिल गए। दोस्तों, उनका परिवार फिर से जो पूरा हो गया, उनके बैल उन्हें मिल गए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।